समस्तंकु सुप्रभात। आज आमे ओडिया व्याकरण विभागर विराम चिन्ह विषय रे जानिबा। विराम शब्दर अर्थ हेउची विश्राम बा विरति। कथा कहुतबा बेले आमको निश्वास प्रश्वास पई अटकिबाकु पड़े। पुणी गोटिए भाव प्रकाश करि सारी अन्य भाव आड़कु जिबा पूर्वरु आमे किछि समय रहि जाऊ। एही सामयिक विरति हेउची विराम। तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़ी करे व्यवहृत चिन्ह गुड़ी को लक्ष्य कर। आम बाड़ी रे नड़िया कदली पणस लेंबु अमृतभंडा आम सपुरी प्रभृति फल अच्छी। एठारे नड़िया परे गोटे चिन्ह अच्छी, कदली परे गोटे चिन्ह अच्छी, पणस परे गोटे चिन्ह अच्छी। एही चिन्ह गुड़ी को आमे प्रथम छेद बा कमा कही था। वाक्य मध्य एकाधिक समजातीय पद व्यवहृत हेले सेमानक मध्य मिश्रण अव्यय बारंबार व्यवहार नकरी कमा व्यवहार करा जाए। एबे आस देखिबा द्वितीय वाक्य रे मधु सबुबेले सतकथा कहे तेणु मधु को समस्ते भल पाती। एठारे एही चिन्ह को देख, एही चिन्ह टी को द्वितीय छेद बा सेमिकोलन कहा जाए। अनेक समय रे गोटे वाक्य भितरे एकाधिक भावना प्रकाश पाई थाए। एपरि स्थले वाक्य मध्यरे भावना को अलगा करिबा निमन्ते एही चिन्हर व्यवहार करा जाए। तृतीय वाक्य रे देख कोणार्क मंदिर किए तोलाई थिले। एठारे शेषरे गोटे चिन्ह अच्छी, एही चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह बोली कहा जाए। वाक्य शेषरे पूर्णच्छेद परि काम करिबा सह वक्ता किछि प्रश्न पचारे किंबा आशा करुथवार जना पड़े। सेहीपरि आमे द्वितीय वाक्यर शेषरे गोटे पूर्णच्छेद चिह्न देखिछे, एहा वाक्य शेषरे व्यवहृत होइथाय। एही चिन्ह को पूर्णच्छेद बोली कहा जाए। आह अनाथ पिलाटी केते कष्ट पाउछि। एठारे आह परे गोटे चिन्ह व्यवहृत होइछि। एही चिन्ह को विस्मय सूचक चिन्ह बोली कहा जाए। एही चिन्ह वक्ता मनर विस्मय बा आश्चर्य भाव को सूचित करे। एतेक स्थल रे एहा संबोधन सूचक भाव रे कार्य करे। रमा कहिला मु अंक कसु थिली। एठारे रमा कहिला उद्धृत चिन्ह आरंभ, अंक कसु थिली उद्धृत चिन्ह शेष। एही प्रकार चिन्ह को उद्धार बा उद्धृत चिन्ह बोलिकि कहा जाए। अन्यर उक्ति को उद्धार कला बेले एही चिन्ह व्यवहृत होइथाय। एबे देख छ नंबर वाक्य शिक्षक मधु काली तुम भाई आसिबे। शिक्षक परे गोटिए लंबा गार दिया हेछि। एही लंबा गार बा एहाकु डैश बा व्यवच्छेद कहा जाए। एहा प्रत्येक उक्तिर वक्तार नाम परे एही चिन्ह व्यवहार करा जाय थाए। सात नंबर उत्कल कमला विलास दीर्घिका। एठारे उत्कल परे गोटे छोट रेखा, कमला परे गोटे छोट रेखा, विलास परे गोटे छोट रेखा अछि। एही रेखा को हाइफेन बा क्षुद्र रेखा बोली कहा जाए। समास रे जोड़ी होइथिबा अनेक गुड़िए पद वाक्य मध्यरे देबा बेले एही चिन्ह प्रदान करा जाए। एबे देखिबा आठ नंबर लेंबु अति चिपुड़िले पिता। एठारे लेंबु परे गोटे चिन्ह अछि,
ଏହି ଚିହ୍ନକୁ କାକପାଦ ବା ଗୁଜା ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଶବ୍ଦଟିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର ନଅ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପାଠାଗାର ଅଛି। ତା ତଳ ବାକ୍ୟ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଅଛି। ଏହି ଚିହ୍ନଟି ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିହ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଏଜୋନ୍ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟର ତଳେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର, ପୁରୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ବୀରଭୂମି ଭାରତ, ଏଠାରେ ପୁରୁ ପରେ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଦୀର୍ଘନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ପରେ ବନ୍ଧନୀ ଶେଷ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୋ ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପରେ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।